आचार्य जी, भोलेनाथ का दिन है कल, यानी कि महाशिवरात्रि का पर्व है। कल पूरा देश भोलेनाथ के जयकारों से गूंजेगा, उनकी कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, किसी के भी जीवन में महाशिवरात्रि का महत्व क्या होता है? महाशिवरात्रि का महत्व वेद और पुराण नहीं बता पाए, फिर भी मैं आपको महाशिवरात्रि के महात्म के विषय में कुछ बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रत्येक वर्ष के फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह मनाया जाता है। महाशिवरात्रि इस वर्ष 2023 में 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही पुरुष व प्रकृति के मिलन के परिणाम स्वरूप सृष्टि का भी प्रारंभ हुआ था। महाशिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से महाशिवरात्रि के बारे में वर्णन मिलता है। आज के दिन के बारे में यह भी कहा गया है कि भगवान भूतभावन भोलेनाथ त्रिदेवों में सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले देवता है। इनकी पूजा के लिए किसी भी प्रकार के विशेष तैयारी, कठिन व्रत एवं तप आदि किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि पूजा के शुभ मुहूर्त बताता हूं। निशीत काल के पूजा का समय मध्यरात्रि 12:10 से 1 बजे तक रहेगा, जिसका कुल समय 50 मिनट का होगा। यदि आप धर्म की प्राप्ति चाहते हैं तो रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा करिए। प्रथम प्रहर की पूजा भक्तों में धर्म प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण करती है। इसका समय सायं 6:27 से 9:32 तक रहेगा। यदि आप अर्थ से संबंधित मनोकामना रखते हैं तो यह रात्रि के द्वितीय प्रहर की पूजा में फलीभूत होगा, अर्थात इस समय की पूजा अर्थ से संबंधित आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। समय द्वितीय प्रहर का रात्रि 9:32 से 12:36 तक रहेगा। यदि आप काम की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके लिए रात्रि के तृतीय प्रहर की पूजा विशेष फलदायी सिद्ध होगी। भगवान भूतभावन तृतीय प्रहर में आपके काम की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। नोट कर लीजिए, तृतीय प्रहर की पूजा का समय रात्रि 12:36 से 3:40 तक रहे। और यदि आप जीवन के सर्वस्व प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो इसे रात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा में प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ प्रहर की पूजा में भगवान भोलेनाथ निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करते हैं। इसका शुभ मुहूर्त नोट करिए, भोर में अर्थात 3:40 से 6:44 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि पारण का मुहूर्त अर्थात 19 तारीख को सुबह 6:57 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। बुधवार को क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ बवाल हुआ और गुरुवार को पहली गिरफ्तारी हो गई। इस वीडियो में जिस लड़की को पृथ्वी शॉ से बहस करते हुए देखा जा रहा है, उसे मुंबई की ओशिवेरा पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के FIR के मुताबिक सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के साथ जबरन सेल्फी लेने की कोशिश की। पृथ्वी शॉ ने रेस्टोरेंट के मालिक से शिकायत की तो फीमेल फैन को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद गुस्साए लोग रेस्टोरेंट के बाहर पृथ्वी शॉ का इंतजार करने लगे। पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ सहारा स्टार होटल के पास खड़े थे, तभी ये बहस हुई। इस वीडियो में एक बेसबॉल का बैट भी दिख रहा है, जिसे लेकर FIR में बताया गया कि इसी से महिला फैन ने पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार को नुकसान पहुंचाया। इस बैरल
मेंशन में ये हादसा हुआ, जहां पर सेल्फी लेने की कोशिश की जा रही थी। पृथ्वी शॉ ने एक दो लोगों के साथ सेल्फी ली, जब बाद में ग्रुप फोटो के लिए मना किया तो जो लड़की है यहां पर सपना गिल, वो और उनके दोस्तों ने एक गाड़ी को फॉलो किया और उसके ऊपर हमला किया। वहीं आपको मैं स्पॉट बता दूं जहां पर ये पूरी घटना ने जगह ली, वो इसी जगह की हम बात करेंगे कि जब यहां से बाहर निकले तो रात को सीआईएसएफ के अफसर यहां पर पहुंचे और यहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में वो वीडियो भी सामने आया जिसमें पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार का पीछा किया गया। आरोप लगाया गया है कि फीमेल फैन ने क्रिकेटर की दोस्त की कार का पीछा किया और एक पेट्रोल पंप पर उसी बेसबॉल के बल्ले से हमला किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़की पर मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे मांगने की शिकायत भी मिली है। इसमें इसमें एक कंप्लेंट है जिनकी गाड़ी को जो आरोपी है, सात आरोपी उन्होंने गाड़ी फोड़ी और उसके बाद में मामला सलटाना है क्या वगैरह ऐसे बोल के 50,000 रुपये की डिमांड की। इसमें एक आरोपी अभी गिरफ्तार हो रहे हैं और बाकी के भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। ओशिवारा पुलिस स्टेशन इसमें आगे की छानबीन कर रही है। सपना गिल की तरफ से ना तो पुलिस को शिकायत दी गई और ना ही क्रॉस FIR की गई है, इसीलिए पुलिस ने उसे हाथापाई का आरोपी माना है। ये अलग बात है कि सपना गिल के वकील पृथ्वी शॉ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पृथ्वी शॉ जो है बहुत ज्यादा ड्रंक थे, पिए हुए थे और अल्कोहल पे बहुत ज्यादा हाई थे। उन्होंने उनको अब्यूज किया, उनको मारा और मारने का ये एविडेंस है कि हमारे पास फोटोज आए हुए हैं जहाँ पे सपना गिल के हाथ पे बहुत ज्यादा इंजरी लगी हुई है और इसके चलते उन लोगों ने बहुत मैनहैंडल भी किया उन लोगों को अपने गुंडों के साथ मिलकर और एक वुडन का बड़ा बैट निकाला, बैट से भी वो लोग मारने जा रहे थे। पृथ्वी शॉ इन दिनों नवी मुंबई में डीवाई पाटिल T20 कप खेल रहे थे। इसी टूर्नामेंट के बीच उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी की थी जो अब विवाद में बदल गई है। पूरे मामले पर पृथ्वी शॉ खुद को बेकसूर बता रहे हैं। Prithvi, I just wanted to ask you about the incident that happened in Oshiwara, if you wanted to say anything about it. नहीं, वो कुछ नहीं हुआ था। But आपके जो अटैक किया था वो उनका था, वो मामला उन्होंने कर दिया, जो भी करना था। आपके साथ वो सेल्फी लेना चाहते थे, फिर उसके बाद कुछ ऑल्टरकेशन हुआ था? नहीं मैं वो छोड़ो जाना, मेरे को कुछ बोलना नहीं है, हो गया हमारी तरफ वो लोग। कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो पुलिस की जांच के बाद तय होगा, मगर इतना तय है कि एक सेल्फी ने उन्हें विवादों में ला दिया। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। कृपा कैसे मिले, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, भोलेनाथ की कृपा उन्हें मिले, इसके लिए महाशिवरात्रि पर महामंत्र क्या है? महादेव के महामंत्र के रूप में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन सर्वोत्तम तीन मंत्र हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इससे कोई भी मनोकामना आप सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा, जीवन में आ रहे किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य को, चाहे वह स्वास्थ्य के रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, वास्तु दोष के रूप में हो, प्रतिष्ठा के रूप में हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, नियम से आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक अत्यंत सहज उपाय आपके जीवन में संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने वाला सिद्ध होगा। शिव समान दाता नहीं विपति बिदारनहार, परदा मोरी राखियो वरदा के सवार। फिर से दर्शकों सुनिए, शिव समान दाता नहीं विपति बिदारनहार, परदा मोरी राखियो वरदा के सवार। बस इस मंत्र को पढ़िए, देवाधिदेव महादेव निश्चित प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करें।